इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर जिले में बल्दीराय थाना इलाके की पुलिस के हत्थे चढ़ा अवैध तस्कर, नशीले पदार्थ की कर रहा था तस्करी। तस्कर अजय कुमार मिश्रा के पास से बरामद हुआ लगभग 7 ग्राम स्मैक। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। सुल्तानपुर जिले के मोदीगढ़पुर थाना इलाके में मामूली विवाद में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में पुलिस सक्रिय। 24 घंटे में अभियुक्त राम मोदनवाल, अजय मोदनवाल और राहुल मोदनवाल पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तीनों आरोपियों को दियरा चौराहे से किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बाबा के मजार पर चढ़ाई चादर। अपर्णा ने जयसिंहपुर इलाके के गौशाबाद में बाबा की मजार पर चादर पेशी कर अमन चैन की मांगी दुआ। साथ ही दरगाह शरीफ के मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन कादरी के साथ की आध्यात्मिक चर्चा। सुल्तानपुर जिले में बड़े धूमधाम से मनाया गया बाबा शहीद मर्द का उर्स। उर्स में पहुंचे दूर दराज के सैकड़ों जायरीन। सभी धर्मों के लोग बड़े अकीदत के साथ बाबा की मजार पर पहुंच चादर चढ़ाकर मांगी दुआ। सुल्तानपुर जिले में ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतरे कारोबारी। ऑनलाइन कंपनियों के विरोध में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने रविवार को बंद रखा बाजार। कारोबारियों ने कहा खुदरा व्यापार पर पड़ रहा काफी प्रभाव। सुल्तानपुर जिले में गोमती मित्र मंडल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर किया श्रमदान। शमशान घाट सीताकुंड धाम पर उनके विचारों पर की गई चर्चा, साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह, संरक्षक रतन कौसौदन सहित अन्य रहे मौजूद। अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली में तैनात दबंग SI के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने SI संतोष सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए SP को दिया ज्ञापन। कहा पीड़ित को न्याय दिलवाने के बजाय फर्जी मुकदमे में फंसाने की देते हैं धमकी। दबंग SI से नाराजगी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पड़ा महंगा। ASP से मिलकर लौट रहे कार्यकर्ता एक होटल पर चाय पी रहे थे, तभी आरोपी SI संतोष सिंह ने दलबल के साथ पहुंचकर कार्यकर्ताओं से की अभद्रता। अमेठी जिले के जगदीशपुर इलाके में हुई ह्यूमन राइट्स मिशन की बैठक। 5 सदस्यों की टीम ने गांव में जाकर वहां की समस्या जानकर शासन तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही ह्यूमन राइट की जागरूकता के लिए आगे आए जिला अध्यक्ष उमेश शर्मा। अमेठी जिले में पूरे लाला रानीगंज इलाके के पंडित KP की त्रिपाठी मेमोरियल हॉस्पिटल में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी की टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर बांटी दवा। गर्भवती महिलाओं को किया गया सम्मानित। अमेठी जिले के प्रेस क्लब तहसील इकाई मुसाफिर खाना में विशंभर नाथ तिवारी को अध्यक्ष, अकील अहमद को चुना गया उपाध्यक्ष। इस दौरान जिला अध्यक्ष शीतला मिश्र रहे मौजूद। अमेठी जिले में मोहनगंज थाने की पुलिस ने 2 स्मैक के कारोबारियों को किया गिरफ्तार। आरोपी अनिल सिंह के पास से पुलिस ने बरामद किया लगभग 30 ग्राम स्मैक। इसके साथ ही शिव प्रसाद के पास से लगभग 25 ग्राम स्मैक हुआ बरामद। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में 10 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। अयोध्या जिले के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अवध मिथिला सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। मंत्री अश्विनी चौबे ने अयोध्या मामले को लेकर विपक्ष पर कसा तंज। अयोध्या जिले के दौरे पर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी। शिक्षा मंत्री ने अवध विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान कहा लापरवाही बरते जाने पर किसी भी कर्मचारी को नहीं किया जाएगा माफ। वहीं BAS ऑफिस में घूस लेते हुए कर्मचारी के वायरल वीडियो के सवाल पर जांच किए जाने और दोष साबित होने पर कार्रवाई करने की कही बात। प्रतापगढ़ जिले में आसपुर देसरा थाना इलाके की दयालगंज बाजार में पिकअप सवार बदमाश बने पुलिस के लिए सिरदर्द। लूटपाट करते वक्त बदमाशों ने असलहा लेकर दुकानदारों को दौड़ाया। दुकानदारों ने दुकान बंद कर पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे। 2 दुकानों में तोड़फोड़ कर बदमाशों ने हजारों रुपए के साथ नकदी पर किया हाथ साफ। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। बाराबंकी जिले के कोठी थाना इलाके में साइकिल सवार व्यक्ति को गन्ना लदी ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। रामपाल की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शुरू की जाँच। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।